24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बिहार में सियासत का पहिया ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ही घूमा था। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार नीतीश कुमार को पलटू बताते रहे। वहीं अब तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। फोर्थ, तेजस्वी यादव के इस बयान से एक बार फिर बिहार की सियासत में गर्मी आ गई है। इसके चलते यह सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं कि क्या राज्य में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। दूसरी ओर दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश कई बार यह कह चुके हैं कि वह अब एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की थी और नीतीश के वापस उनके हाथ मिलाने वाले सवाल पर कहा था कि सभी लोग 4 जून का इंतजार करिए, जब सीएम नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अचानक पाला बदलते हुए एनडीए का दामन थाम लिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से कई रैलियां की थी, जिसमें वह पीएम मोदी को लगातार अपने संबोधन में यह विश्वास दिलाते आए कि वह अब किसी भी कीमत पर एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से यह तक कहा था कि वह बीच में 2 बार भटक गए थे, लेकिन अब वह बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार अपनी अंतिम राजनीति को बचाने के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार यही भरोसा लालू और तेजस्वी को दिलाते रहे थे। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार तो अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय भी करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हीं की पार्टी में विरोध हुआ था। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।